today? In application of derivatives, it is the last topic, and the last topic is marginal cost and marginal revenue. How this question can be solved, where this question can be solved, with ek hi hai, that's why this more than one ho jata, to these questions can be solved. So here is the working rule. The marginal cost, MC, is the instantaneous rate of change of total cost with respect to number of items produced at an instant. So if total cost when x units are produced, अगर x unit produced है तो उसमें आपका total cost जो होगी वो आपका cx होगी, and you have to find out the marginal cost. So marginal cost is equal to d by dx of cx, and in place of this cx you like capital C, so dc over dx होगा. Same, अगर instantaneous rate of change अगर आपका mr का आपका अगर निकालना हो आपका mr का मतलब marginal revenue, तो टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ आइटम्स, याद रखिएगा ये देख लीजिएगा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड है, मार्जिनल कॉस्ट में प्रोड्यूस होता है और इधर आपका सोल्ड होता है मार्जिनल रेवेन्यू में. बाकी लैंग्वेज आप देखो सब बिल्कुल सेम है. इफ आर एक्स, यहाँ क्या था सी एक्स था, बी द टोटल कॉस्ट, यहाँ पे आपका रेवेन्यू और आपका दिस इज द, तो बी द टोटल रेवेन्यू with x units are sold, then marginal revenue is equal to d by dx of rx, and rx to our capital R is equal to, and this one of the questions I have. ये इसको कैसे करेंगे? कुछ नहीं. तो देखो आपको नाते से. Solution number one में आपका नाते पता है ना? तो cx ये आपको दिया हुआ है. What is CX? CX क्या होता है? Total cost when X units are produced is CX. आपका देखो ना दिस. तो CX equal to 0.007 X cube minus 0.003 X square and plus 15 X and plus 4000. ये आपको दिया हुआ है. एजेट के लिए अब आप क्या करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट इज गिवन, इसका पूरा लिख देंगे, पूरा लिख देंगे मार्जिनल कॉस्ट. ये ऐसा नहीं कि शॉर्टकट नहीं चलेगा, मार्जिनल कॉस्ट इज गिवन बाय सी एक्स. ये देखो आपका ये लिखेंगे या एम सी एक्स लिखेंगे, बताइए वहां देखिए. MCX इक्वल टू क्या है वो जरा पढ़िएगा, DC by DX. अभी ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, इसका मतलब डी बाई डी कहने का मतलब इसको लिखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यू, फिर ये लिखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर 15 डी बाई डी एक्स ऑफ अपना समझ लें, ये हुआ 0.007 और ये जो आपने लिखा ये d by dx of actually में x cube हुआ minus 0.003 ये d by dx of आपने देखो नाम दे सकते हैं x square और plus 15 d by dx of नाम देखो दे सकते हैं plus d by dx of नाम देखो दे सकते हैं 4000 ऐसे लिखते हैं. कई किताबों में नहीं लिखा होगा, सीधा सीधा उन्होंने कर दिया होगा, डी सी बाई डी एक्स इक्वल टू डायरेक्ट कर दिया होगा 0.007 इंटू 3x स्क्वायर नाउ प्लस 0.003 इंटू 2x नाउ प्लस 15 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1 और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इज 0 1 तो नाउ डी सी ओवर डी एक्स इक्वल टू 3 7 20 1 तो 0.021 x स्क्वायर प्लस 2 3 6 0.06 x और प्लस ये 15 हो जाएगा. यहां तक आप इसको डिफरेंशिएट करके आप ले आओ, इज इट क्लियर? अब आपका देखो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, देखो व्हेन
17 units are produced. 17. इसका x is equal to अपना 17 unit हो गया अपना. क्लियर हो गया. अब आप क्या करेंगे, एम सी एक्स इक्वल टू जी क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है तो क्या करें इसका, एग्जैक्टली 0.021 इंटू 17 का स्क्वायर प्लस 0.006 इंटू 17 और प्लस 15 करते हैं तो ना दिस 0.021 इंटू 17 सा 289 माइनस 17 सा 102 डेसिमल के बाद थ्री प्लेसेस हैं अपने आप ही आई गए ना और प्लस आपका ना 15 ना इक्वल इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखिए तो क्या आता है, 9 1 9 ये तो आई रहा आपका देखो ना जैसे 8 में से 2 हो गया ये 6 आ रहा है 10 रखिए दो आपका ना दे दो और फिर वही 9 में से 2 हो गया 7 6 माइनस 0.102 और प्लस 15 इसको इसके साथ ऐड कर दीजिएगा और इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा कितना आ रहा है 15 6 21.069 माइनस 0.10 9 2 इज 7 6 का 6 इधर से 9 1 इज 8 ठीक है सर चेक करो गड़बड़ तो नहीं बोली बोली आप बड़ा देख रहे हैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके तो माइनस है प्लस है माइनस ओ ठीक है तो माइनस है तो ऊपर में तो माइनस था ना उसका माइनस था यस उसमें माइनस था दूसरे प्लस कर रहा था मैंने माइनस 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 वो ठीक ही कर रहा था मैंने माइनस यहाँ भी माइनस था माइनस यहाँ भी माइनस था माइनस ठीक ही तो कर रहा था लास्ट में ये आपका 15.000 हुआ ना तो सीधा सीधा 15 और 6 कहता हुआ 21.069 माइनस 0.0 0.102 हो गया तो कितना आ रहेगा 9 2 7 इस 6 आपका आ गया इधर से आपका कितना 10 में से 1 गया 9 1 आपका नाम जैसे 20.967 ये आपका आंसर है ठीक है. यूनिट क्या आएगी मतलब मार्जिनल को नहीं कोई यूनिट नहीं मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू की कोई भी यूनिट नहीं है.